फ्रेंड्स, हम लूसेंट बुक से मेडाइवल इंडिया को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने राजपूत किंगडम्स, चोल एम्पायर और स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक डाल दी है, आप प्लीज़ रेफर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये लूसेंट की सीरीज़ को कम्प्लीट देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में लूसेंट से पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। और अगर आपके पास लूसेंट की इंग्लिश वाली बुक है तो इस वीडियो के साथ में आप बुक को भी रेफर करते जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लूसेंट की सीरीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देख रहे हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 तक रूल किया है। यह दिल्ली सल्तनत की सेकेंड डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान टर्क्स ही थे जो महमूद गजनवी और गौरी के टाइम पर इंडिया आए थे, और स्लेव डायनेस्टी के रूल के टाइम पर ये आर्मी में और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करते थे। पर स्लेव डायनेस्टी के बाद के कुछ रूलर्स इनकैपेबल थे, जिसका फ़ायदा उठाकर ये सुल्तान बन जाते हैं और 1290 में खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। खिलजी डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खान और खुसरो खान। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान को असैसिनेट करने के बाद 1290 में जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। यह किलोखरी को अपनी कैपिटल बनाता है। जलालुद्दीन को 1296 में अलाउद्दीन खिलजी असैसिनेट कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू और सन इन लॉ था। खिलजी डायनेस्टी का अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम अली गुरशस्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को असैसिनेट करवाया था। अलाउद्दीन दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखा, यानी कि किंगशिप नोस नो किंगशिप। अलाउद्दीन ने खलीफा को इम्पोर्टेंस दी, पर एडमिनिस्ट्रेशन में खलीफा का इंटरफ्रेंस उसे पसंद नहीं था। खलीफा यानी कि इस्लाम रिलीजन के फाउंडर प्रोफेट मोहम्मद थे। प्रोफेट मोहम्मद के सक्सेसर्स को हम खलीफा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रूल में इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। वह ऑटोक्रेटिक रूल यानी कि निरंकुश शासन करता था, और उसने बलवन की कास्ट सुप्रीमेसी पॉलिसी को भी फॉलो नहीं किया। बलवन के रूल के टाइम पे हायर पोजीशंस सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ही दी जाती थी, पर अलाउद्दीन खिलजी के रूल में ऐसा नहीं था। मेरिट के बेसिस पर पोजीशंस दी जाती थी, यानी कि पर्सन की स्किल और टैलेंट को देखा जाता था, ना कि कास्ट को। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के इंपीरियलिज्म की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एम्पायर को साउथ इंडिया तक एक्सपेंड किया था। वह पूरे इंडिया पर रूल करना चाहता था और पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था। इसलिए उसने सिकंदर ए सानी का भी टाइटल लिया, पर बाद में उसने अपने एम्पायर को सिर्फ इंडिया में ही एक्सपेंड किया। नॉर्थ इंडिया में उसकी पॉलिसी एक्सपेंशन की थी, जहां वो किंगडम्स को कॉन्कर कर लेता था और दिल्ली सल्तनत में मिला देता था, जिनमें गुजरात, रणथंबोर, मेवार, मालवा और जालौर आते हैं। वहीं साउथ इंडिया में उसकी पॉलिसी किंगडम्स को फोर्स करना कि वे दिल्ली के अधीन होकर काम करें और दिल्ली की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें और टैक्सेस पे करें। साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने काफी सारे रीजन्स को जीत लिया था, जिनमें देवगिरी, वरंगल, होयसल और पांडे स्टेट आती है। मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव रूलर रामचंद्र देव, वहीं वरंगल के प्रताप रुद्रदेव, होयसल के वीर बल्लाल और पांडे रूलर वीर पांड्या को भी हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के रूल में काफी सारे रिवॉल्ट हुए, जैसे दिल्ली में हाजी मौला का रिवॉल्ट, बदायूं के गवर्नर मलिक उमर का रिवॉल्ट और कई सारे रिवॉल्ट, पर इन रिवॉल्ट्स को सप्रेस कर दिया गया। और इन रिवॉल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और नोबल्स की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि फ्यूचर में ऐसे रिवॉल्ट नहीं हो। इनमें पहला ऑर्डिनेंस था रिलीजन के नाम पर फ्री में दी गई जमीनों को जब्त कर लिया गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि नोबल क्लास के पास ज्यादा वेल्थ होने से रिवॉल्ट्स बढ़ते हैं। अपने दूसरे ऑर्डिनेंस में उसने स्पाइस सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग किया, यानी गुप्तचर डिपार्टमेंट। सभी शहरों में, गाँव में अपने गुप्तचरों को फैला दिया, ताकि नोबल्स की सारी इन्फॉर्मेशन सुल्तान को मिल सके और रिवॉल्ट्स को कंट्रोल किया जा सके। अपने तीसरे ऑर्डिनेंस में उसने लिकर को प्रोहिबिट किया। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अगर ऑफिसर्स ड्रिंक करते हैं तो लोगों में डर कम होता है, जिस कारण कॉन्स्पिरेसीज बढ़ती है और रिवॉल्ट होते हैं, इसलिए लिकर को प्रोहिबिट किया। अपने फोर्थ और लास्ट ऑर्डिनेंस में अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स की सोशल गैदरिंग पर रोक लगा दी और नोबल्स में आपस में मैरिज के लिए सुल्तान की परमिशन को जरूरी कर दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि सोशल गैदरिंग और मैरिज से नोबल्स एक दूसरे के पास आते हैं और सुल्तान के अगेंस्ट हो जाते हैं,
जिससे रिवॉल्ट्स बढ़ते हैं। इन ऑर्डिनेंस से अलाउद्दीन खिलजी रिवॉल्ट्स को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री रिफॉर्म्स की। अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ी और पावरफुल परमानेंट आर्मी अपॉइंट की थी और पहली बार सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना चालू किया था और दाग और चेहरा सिस्टम को भी चालू किया। दाग में घोड़ों और चेहरा में सोल्जर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, जिससे कि घोड़ों और सोल्जर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे आईडी प्रूफ्स होते हैं, उस तरह का सिस्टम था। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स की। अलाउद्दीन ने जमीन की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से टैक्सेस डिसाइड किए, जिसमें प्रोड्यूस का आधा हिस्सा सुल्तान को देना होता था और जमीन को मेजर करना शुरू किया गया। रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया, जिसे मुस्तकराज कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मार्केट रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें मार्केट में बेची जाने वाली एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि जरूरी चीज़ों के प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। मार्केट रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन ने तीन टाइप के मार्केट सेटअप किए थे। पहला फूड ग्रेन्स का मार्केट यानी कि अनाज मंडी, दूसरा जिसमें कॉस्टली क्लोथ्स बेचे जाते थे, तीसरा स्लेव्स हॉर्सेस और कैटल्स का मार्केट। और एक ओपन मार्केट था जिसमें सारी चीजें बेची जाती थी, उसे साराए अदल कहते थे। साराए अदल में इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचा जाता था। मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, जिसे सहना कहते थे। ये ऑफिसर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था शॉपकीपर्स पे भी और प्राइजेस पर भी। सहना हायर ऑफिसर था। इसके अंडर में दो और ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था, जिन्हें दीवाने रियासत और सहनाए मंडी कहा जाता था। दीवाने रियासत का काम सहनाए मंडी और कई दूसरे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था। इनका काम मार्केट में प्राइसेस और वेट्स को मॉनिटर करना था। सहनाए मंडी का काम सभी ट्रेडर्स पर कंट्रोल रखना और मार्केट में प्राइसेस को मेंटेन करना था। साथ ही साथ मार्केट की सिचुएशन के बारे में सुल्तान को बताना था। सभी ट्रेडर्स को सहनाए मंडी के ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता था। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे किले बनवाए थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अलाई फोर्ट था। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट भी बनवाया था, जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं, और हजार सुतून पैलेस भी बनवाया, जिसमें 1000 पिलर्स है। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो बलवंत से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। सितार और तबले का इन्वेंशन अमीर खुसरो ने ही किया था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक काफूर दिल्ली के थ्रोन को कैप्चर करता है। मलिक काफूर अपनी डेथ से पहले अलाउद्दीन के 6 साल के बेटे शियाबुद्दीन को नेक्स्ट सुल्तान बनाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव था और उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक खान को मारने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा था, किंतु उन सैनिकों ने मुबारक खान के साथ मिलकर मलिक काफूर को ही मार दिया। इस तरह मलिक काफूर ने सिर्फ 35 दिनों तक ही रूल किया और शियाबुद्दीन का रीजेंट मुबारक खान बनता है, जो बाद में शियाबुद्दीन को मारकर खुद सुल्तान बन जाता है। मुबारक खान यह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। यह ऐसा सुल्तान था जो कभी कभी दरबारियों के सामने नेकेड घूमता था। इसके रूल में मुबारक हसन का काफी इम्पैक्ट रहा, जिसे मुबारक खान ने खुसरो खान का टाइटल दिया था। खुसरो खान का दिल्ली की आर्मी पर पूरा कंट्रोल था, जिसका फायदा उठाकर वह मुबारक खान को मार देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। नेक्स्ट सुल्तान बनता है खुसरो खान। दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक खुसरो खान के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है और खुसरो खान को मार देता है। इस तरह गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का नेक्स्ट सुल्तान बनता है और दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर खुसरो खान था। खिलजी डायनेस्टी में कुल 5 सुल्तानों ने रूल किया। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लूसेंट की सीरीज अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।